और इस बीच बड़ी खबर, आज आगरा पहुंचे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आज आगरा में कांग्रेस की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव। बता दें कि 7 साल बाद एक मंच पर दिखाई देंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। सीट बंटवारे पर सहमति के बाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज अलीगढ़, हाथरस, आगरा होकर धौलपुर पहुंचेगी यात्रा। तो देखिए किस तरीके से। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनीत, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि आमतौर पर राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता, और जब बात अखिलेश और राहुल गांधी की जाती है तो ये बात साफ होती है, तो क्या यूपी के लड़के कुछ कमाल कर पाएंगे? क्योंकि यात्रा तो आगरा में पहुंचेगी और साथ में नजर आएंगे। देखिए, गठबंधन की यह तस्वीर पहली बार दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम 2019 की बात करें तो यही आगरा से ही ये गठजोड़ शुरू हुआ था, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ इसी शहर में बस पर बैठकर सवार हुए थे और लोगों से गठबंधन पे वोट मांगने की अपील की थी। और उस समय यूपी के लड़का एक ऐसा नारा इनको दिया गया था, लेकिन उस समय भी नतीजे कुछ और बोल रहे थे। भाजपा को 325 सीटें मिली थी, और जबकि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनके हिस्से महज कुछ ही सीट सामने आई थी। आज एक बार फिर से मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। अलीगढ़ से चलते हुए हाथरस, हाथरस से आगरा, और आगरा जब पहुंचेंगे तो ये वही टीढ़ी बगिया क्षेत्र है जहां से इस यात्रा की शुरुआत होगी। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस के लगातार आगे बढ़ रही है, उसमें अखिलेश यादव इसी जगह से सवार होंगे। कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, मिलजुल कर इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और ये यात्रा टीढ़ी बगिया से आगे बढ़ती हुई यमुना किनारे होते हुए और सीधे आगरा के माल रोड होती हुई सीधे ये सदर से क्षेत्र से धौलपुर की तरफ रवाना होगी। लेकिन एक बार फिर से दोनों युवा जो है वो बस में सवार होते हुए लोगों से वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर 2019 के चुनावों की बात की जाए तो नतीजा भाजपा के हाथों में लगा था, लेकिन इस बार ये जोड़ी कितना असर दिखाती है, ये कार्यकर्ता का जोश कितना असर दिखाता है। और ऐसे में 2019 का चुनाव भी साथ लड़े थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी 2024 चुनाव का जब जिक्र किया जा रहा है तो पहले सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आया, लेकिन अब जब साथ है तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि साइकिल से हाथ मिला है तो अब क्या बात बनेगी? देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो यही है कि कोशिश पूरी की जा रही है।